कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए और किसानों को उचित सम्मान दिलवाने के उद्देश्य से भागलपुर का बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर लगातार प्रयासों में जुटा है और इसको लेकर विश्वविद्यालय में रोजाना नए प्रयोग किए जाते हैं। कृषि विश्वविद्यालय अपने अनुभवी शोधकर्ताओं की मदद से किसानों को बढ़ावा देने के लिए उन्नत किस्म की बीज, नए प्रभेद के फसल व नए यंत्र ला रही है। किसान कैसे आगे बढ़े इसको लेकर प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाया जाता है, लेकिन अभी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कई साल की मेहनत के बाद एक ऐसा पाउडर बनाया है जिससे रवि फसल मात्र एक पटवन में तैयार हो जाएगी। इससे कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। इस पाउडर का नाम सुपर ऑब्जर्मेंट पॉलीमर है। कृषि विश्वविद्यालय सबौर के बायो लैब में इसको तैयार करने वाले वैज्ञानिक निंटू मोंडल ने बताया कि किसानों को अब पटवन की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि रवि फसल में खासकर गेहूं, चना, मसूर, मटर को बोने के बाद पटवन किया जाता है। 21 दिनों के बाद गेहूं को पहला पानी देना पड़ता है, उसके बाद कम से कम 3 बार और पटवन करना पड़ता है, लेकिन अगर इस पदार्थ का प्रयोग करते हैं तो मात्र एक बार पटवन करना होगा और फसल तैयार हो जाएगी। हम लोग एक यूनिक प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, जिसका अंदर में नाइट्रोजन भी डाला हुआ है। उसका टेक्निकल नाम हम लोग दिए है नाइट्रोजन कंटेनिंग सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, शॉर्ट में NSP। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर में नाइट्रोजन है, प्लस इसका पानी जो एब्जॉर्ब करके रखने का कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मात्रा है 1 ग्राम 300 ग्राम पानी इसको एब्जॉर्ब करके रख सकता है। आप क्वेश्चन है क्यों इस टाइप के प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं अभी हमारा पानी का जो एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी में पानी का बहुत कमियाँ आ रहा है, तो इस टाइप का एक टेक्नोलॉजी का बहुत दिन से ज़रूरत था, जिसका उपयोग से क्या होगा, हमारा जो एक फसल उगाने के लिए जितना बार पानी पड़ने का ज़रूरत होता है उसका मात्रा में थोड़ा कम हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 2015 से ये काम कर रहे थे। तो लेबोरेटरी में हम लोग एक सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर अलग अलग कॉम्बिनेशन में पहले उसको बनाया, फिर हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट किए कितना तक ये पानी एब्जर्व कर पा रहे हैं, फिर जब पानी उसको रिलीज करने का टाइम आएगा तो कितना तक वो रिलीज कर सकता है, पौधा का जिस टाइम में ज़रूरत होगा उस टाइम में ये रिलीज कर पा रहे कि नहीं, ये हम लोग जनरेशन किए, ऑप्टिमाइज किए। करने के बाद हम लोग कंट्रोल कंडीशन में, जैसे नेट हाउस में हमारा एक्सपेरिमेंट लगता है, उसमें किए। उसके बाद हम लोग फील्ड में उसको लेके गए। हमारा ये जो प्रोडक्ट, इसका टेस्टिंग हुआ रबी फसल के लिए, पर्टिकुलरली आपका गेहूं, चना, मसूर और मस्टर्ड के लिए, क्योंकि खरीफ फसल में ऐसे बारिश होता है जिसमें बारिश का टाइम में तो इस टाइप का प्रोडक्ट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे गेहूं का केस में अगर हम लोग जो फील्ड टेस्टिंग में गए तब हमको ये भी पता करना बहुत ज़रूरी था कितना मात्रा में इसको डाला जाए और कौन सा टाइम में डाला जाए। तो हम लोग देखे हैं एक्सपेरिमेंट करके, अगर गेहूं का खेत में इसको बीज के साथ मिला के इसको रोपाई का टाइम में अगर डाला जाएगा जो पाउडर फॉर्म में, जिसका मात्रा होगा 10 केजी प्रति हेक्टर NSP प्रोडक्ट का, उसके बाद 21 दिन बाद जो गेहूं का क्रिटिकल स्टेज आता है जिसको CRI स्टेज, क्राउन नेट इनिशिएशन स्टेज बोला जाता है, उसी स्टेज में एक बारी सिर्फ पानी पटाने का ज़रूरत है। उसके बाद इस प्रोडक्ट अपने कैपेसिटी का जो 300 गुना पानी उसको एब्जॉर्ब करके रख देगा, फिर जैसे मिट्टी में नमी का कमी होते जाएगा ये प्रोडक्ट से पानी निकल के पौधा का जड़ को मिलेगा, ये 90 दिन तक मिलेगा। यानी कि गेहूं का जो जितना मैच्योरिटी तक पूरा प्रोडक्ट के पीरियड है उसका जड़ को पानी मिलता जाएगा। हाँ, ये हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2020 का मई महीना में पेटेंट के लिए अप्लाई किए थे, तो 3 साल बाद हम लोगों को 14 सितंबर 2023 को ये पेटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है।
एनएसपी के अंदर नाइट्रोजन डाला हुआ है जिसको पाउडर के फॉर्म में तैयार किया गया है। इसमें पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखने की क्षमता काफी दिनों तक है। वैज्ञानिक ने बताया कि अब मात्र 1 ग्राम पदार्थ 300 ग्राम पानी को सोख करके रखता है। निंटू मोंडल ने बताया कि खेती करने में पानी की किल्लत बहुत आ रही है। कई जगहों पर पानी की वजह से फसल अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। ज्यादा बारिश नहीं होने से किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पानी की किल्लत की संभावना भी अधिक है। अभी भी कई जगहों पर बोरिंग फेल जैसी समस्याएं आने लगती है जिसके चलते खेतों को समय से पानी नहीं मिल पाता और फसल की उपज कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि किसानों को पटवन की आवश्यकता कम पड़े इसको लेकर हम लोग 2015 से ही काम कर रहे थे जिसमें अब जाकर सफलता मिली है। वैज्ञानिक ने बताया कि हम लोगों ने जब काफी रिसर्च की तब खेतों में जाकर इसका ट्रायल किया। यह जानना जरूरी था कि इसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तब हम लोगों ने देखा कि जिस समय खेतों में गेहूं की बुआई करते हैं उस समय पाउडर फार्म में इसको बीज में ही मिलाकर इसकी बुआई कर दी जाए या 1 हेक्टेयर में 10 किलो डालेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद जब 21 दिनों के बाद पटवन की जाएगी और उसके अंदर पानी का स्टोर करके रख लेंगे तब जब जब पौधों को पानी की आवश्यकता पड़ेगी तब तक उस पानी को वो डिलीज करेगा जिससे हमारी खेतों में नमी बनी रहेगी। जूनियर साइंटिस्ट निंटू मंडल ने बताया कि इस पदार्थ को भारत सरकार द्वारा पेटेंट भी मिल चुका है। यह पेटेंट 20 वर्षों के लिए मिला है। जल्द इस प्रोडक्ट को किसान तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इसको लेकर जब कुलपति डॉक्टर दुनिया राम सिंह से फोन लाइन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग किसानों के लिए हमेशा तत्पर हैं। किस तरीके से किसान आगे बढ़े इस पर हमारे वैज्ञानिक काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यह एक अच्छी सफलता विश्वविद्यालय को मिली है। आगे भी किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए विश्वविद्यालय लगातार प्रयासों में जुटा है। यह तीसरा पेटेंट जो है सुपर एब्जॉर्बेंट एक पेटेंट है जिसका प्रोसेस है, इसका तरीका है कैसे कि वही केमिकल फर्टिलाइजर खेत में डालने के बाद उसका एब्जॉर्बमेंट यानी पौधे को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उसको, उसके ऊपर इसकी प्रोसेस यानी विधि हम लोगों ने निकाली है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन परिश्रम करने के बाद ये पेटेंट हमको लेके आए हैं। अब हम इस पेटेंट की तलाश एक अच्छी कंपनी के साथ एक MOU करना चाहते हैं ताकि इसका एक कमर्शियल उत्पादन प्रोडक्शन होना शुरू कर दिया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसको फायदा मिल सके। इस तरह के किसानों को ज़्यादा नहीं, जो भी किसान अच्छा रबी सीजन के हो चाहे खरीफ सीजन के जो भी क्रॉप करते हैं ये सभी फसलों के लिए अति उत्तम है, लेकिन मुख्यतः इन्होंने उसके गेहूं के ऊपर काम किया है। पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, पानी की आवश्यकता भी कम पड़ेगी, उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। तो इन इस नई उपलब्धि के लिए मैं अपने वैज्ञानिकों को और उनके सभी साथियों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ।